एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इट्स अ सैटरडे टुडे और आज हम घूमने नहीं जा रहे हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट थोड़ी कुछ टास्क निपटाने हैं। सो सबसे टॉप प्रायोरिटी है आरके का पासपोर्ट रिन्यूअल एंड उसके लिए वी हैव टू गो टू ब्रैम्पटन। यहाँ पे दो कॉन्सुलेट हैं, थ्री ऑटवा भी है इन ऑन्टारियो, तो बट हमारे लिए सबसे पास में ब्रैम्पटन है। Right. उसके बाद टोरंटो जाना पड़ता अगर, लेकिन हमारे लिए ब्रैम्पटन पास में तो वैसे हम ऑटवा भी जा सकते थे घूमने के लिए और फिर तेरा काम भी हो जाता। बट एनीवेज, सो ये काफी इम्पोर्टेंट टास्क है एंड बहुत वेटिंग चल रही है इनफैक्ट पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए कनाडा में, बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग। हम लोग भी है यहाँ पे, बट आई गेस BLS नहीं ले रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं ले रहा है जो ब्रैम्पटन वाला नहीं ले रहा है, तो इसलिए मैंने स्लॉट बुक करवाया था एक महीना पहले का। सो या इतने टाइट स्पॉट पे, थोड़ा सा टाइट स्पॉट है, बट या लेट्स सी। तो आरके क्या क्या फॉर्म्स भरे तूने? अगर भरे हैं तो सच सच बताना। मेरे से पहले रश्मि का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, लास्ट ईयर हमने वो करवा लिया था, तो शी हैज द एक्सपीरियंस, तो क्यों ना एक्सपीरियंस बंदे से काम करवाया जाए। तो इसलिए हमने जो एक्सपीरियंस बनता है उससे पूछा क्या क्या है, तो हमने करवा लिया। पहला काम था गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, passport.gov.in आई गेस की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है और आगे मैं कंटिन्यू कर लूंगी, तुम जरा गाड़ी पे ध्यान दो पहले, ठीक है? So, आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन भरनी है, दैट्स लाइक इंडियन गवर्नमेंट का आपका साइट है। आप एप्लीकेशन फिल करते हो, दे आस्क यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ भी आपको चेंज कराना है, डेट ऑफ बर्थ से लेकर नाम, एड्रेस, योर मैरिटल स्टेटस, आपको स्पाउस का नेम ऐड कराना है, एवरीथिंग नीड्स टू गो टू दैट आपकी एप्लीकेशन के अंदर। एंड आपको ढंग से वेरीफाई करके यू हैव टू प्रेस सबमिट, डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। नेक्स्ट स्टेप इज आपको BLS से आपको अपॉइंटमेंट लेना है सो दैट यू कैन गो एंड सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है लाइक डॉक्यूमेंट्स दैट आई एम गोना टेल यू, वील ऑल्सो ऐड द लिंक जहाँ से भी हमने सारे ये डॉक्यूमेंट्स एंड ये सब हमने चेकलिस्ट डाउनलोड करी थी। फीस का वी आर नॉट वेरी श्योर, आई थिंक $160 के अराउंड है इफ यू आर नॉट, ये फॉर 10 इयर्स 36 पेजेस 10 ईयर $160 और अगर 5 इयर्स का है तो आई गेस इट्स $120 समथिंग लाइक दैट। वो तो फाइनल जब आके जाएगा तो पता चल जाएगा। एंड टू पेड बाय कैश और बाय डेबिट कार्ड, दैट्स राइट BLS में। और डॉक्यूमेंट्स आर प्रीटी स्टैंडर्ड, अगर आपका एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गया है तो बस उससे कोरिस्पोंडिंग आपको थोड़े बहुत प्रूफ्स दिखाने पड़ते हैं, लाइक ऑफ कोर्स आपको एंड इफ यू आर चेंजिंग एनीथिंग तो उसका प्रूफ आपको देना, एनीथिंग इफ यू आर चेंजिंग। सो फॉर एग्जांपल जैसे रविकांत के पासपोर्ट पे स्पाउस का नाम ऐड नहीं था, तो उसको इस बार ऐड करवाया है। सो दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर द प्रूफ ऑफ स्पाउस, बट देन स्टिल हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले गए थे। तो जो भी आप लोग लेके जा रहे हो उसकी एक ओरिजिनल ऑफ कोर्स एंड आप एक फोटोकॉपी डेफिनेटली लेके जाएं। एनीवेज, सो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स हमारा पीआर कार्ड की कॉपी और ओंटारियो का ड्राइवर्स लाइसेंस एंड जो भी आप, हमने एक इंडियन अपनी आईडी रख ली थी, आई मीन नॉट हमने एज इन रविकांत ने, मैंने भी रखी थी अपने टाइम पर। और क्या लेके जा रहे हैं हम? योर फोटोज, योर पेन, एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन प्रिंट आउट, लाइक आपका एप्लीकेशन फॉर्म, BLS एक चेकलिस्ट देता है उसका चेकलिस्ट की प्रिंट आउट प्लस जो आपका अपॉइंटमेंट है उसका प्रिंट आउट, या आई गेस उसने लिखा ही था प्लीज टेक आउट द प्रिंट आउट। सो या दैट्स प्रीटी स्टैंडर्ड। और आपका टाइम स्लॉट होता है, गेस 10 मिनट्स का टाइम स्लॉट देता है, हमारे लिए 11 o'clock से 11:10 का है। यू गो इनसाइड, यू शेयर लाइक दे आस्क फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वो एक बार ओरिजिनल वेरीफाई करते हैं एंड देन दे गिव यू अ स्लिप, दे टेक द मनी एंड दे गिव यू अ स्लिप एंड दे गिव यू, दे आस्क यू फॉर एन ऑप्शन कि आपको कुरियर से करवाना है कि नहीं। आरके ने मना कर दिया है क्योंकि उसने कुछ केसेस सुने थे जिसमें कुरियर से मिसप्लेस हो गए थे पासपोर्ट। सो वी गोना जस्ट पे एंड देन वी गोना गो एंड कलेक्ट इट। तो ये पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आपको जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको
स्पेसिफिकेशन दे देता है BLS के चेकलिस्ट में, यू विल गेट कि कितने स्पेसिफिक आपका साइज होना चाहिए। दे आस्क फॉर 2 फोटोग्राफ्स, सो रिकमेंडेड होता है कि आप प्रोफेशनल से ही क्लिक करवाओ। लाइक देर आर सर्विसेज जो काउंटर स्पेशली UPS में है, आके वॉलमार्ट में आई एम प्रीटी श्योर है, शॉपर्स ड्रग मार्ट में है, ये 3 तो फॉर श्योर हमें पता है, हमने खुद यूज करे हुए हैं। There can be so many, but ये 2-3 हैं जहाँ पे आप quickly आप जाओ and they'll give you, they know what needs to be done, so you just go and get it done, but it's very costly. RK ने 2 photographs के $22 दिए, so yeah, it is costly. तो हम लोग BLS पहुँच चुके हैं और जैसे कि आपको दिख रहा है walk-ins की line इतनी लंबी लगी हुई है. Actually walk-in ये भी नहीं है, उन्होंने हाथ किया, उनसे appointment book कराए होंगे. और बहुत बुरे हाल है. बहुत बुरा हाल है। रविकांत सांगुरी वहाँ लाइन में लगा है, उसने बोल दिया है सिक्योरिटी को, बट देन स्टिल। ऑलराइट, इट्स 4:30 इन द इवनिंग और सारे काम नहीं हुए आज, कुछ काम नहीं हुआ आज, पूरा दिन खराब और बहुत सुपर मूड ऑफ। सो रविकांत का उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करी, बहुत ब्लंडर है। सो द ब्लंडर वॉज कि एप्लीकेशन जब हम फिल कर रहे थे तो उन्होंने चेकलिस्ट में BLS ने मेंशन किया था कि आप अगर PR या वर्क परमिट पे हो, इवन आई गेस स्टूडेंट के लिए भी था क्या, सो बेसिकली आपको अपना प्राइमरी एड्रेस, आपको यहाँ का लोकल एड्रेस अपडेट कराना है, सो इट्स गोना बी प्रिंटेड ऑन योर पासपोर्ट, और आपका अदर एड्रेस में आपका इंडिया का एड्रेस रहेगा। ये क्लॉज जब मैंने रिन्यू कराया था तब भी था, बट आई स्पोक टू देम एंड आई टोल्ड देम कि मुझे नहीं चेंज कराना है, सो आई वांट माय इंडियन एड्रेस ऑन माय पासपोर्ट, एंड दे एक्सेप्टेड इट। इस बार दे सेड कि नई रूल्स चेंज हो गए हैं, और पहले हम लोग थोड़ा लीनियंट रहते थे, अभी वी वांट द लोकल एड्रेस टू बी पेस्टेड ऑन दी, लाइक प्रिंटेड ऑन दी पासपोर्ट। सो इफ यू आर ऑन अ PR और वर्क परमिट, तो जब आपसे प्राइमरी एड्रेस पूछा जाए, देन एंटर योर कैनेडियन एड्रेस एंड अदर एड्रेस में आपका इंडियन एड्रेस। बस हमारा ये था, मतलब वी कुड हैव, सो द थिंग वाज हम लोग, इसने पूछा कि कैन आई जस्ट क्विकली फिल माय एप्लीकेशन, और मैं अभी कर देता हूँ, बिकॉज इट जस्ट अ मैटर ऑफ 5 मिनट भी नहीं लगते, हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, बट एज देन दे सेड टेक अनदर अपॉइंटमेंट, और जो अभी नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिल रहा है 17th of January का, so it's very bad, and the walk-in condition जो हमने दिखाई दी है, it's really really bad. Walk-in condition, people were there standing since 3:30 AM in the morning. ताकि open हुए तो देखें। That's crazy. So RK का तो बहुत mood off है, हम कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पाए उसके बाद। तो अभी हम लोग आ गए हैं पेट पूजा करने के लिए फिर से। So we'll show you. हम लोग wait कर रहे हैं पंजाबी चाप corner के बाहर, हमने अपना order place कर दिया है. And we are just waiting. So next 10 minutes we'll go and pick it up. As usual, अब फिर से हम shopping करने जा रहे हैं Walmart. और देखो मैडम ने कितनी सारी shopping कर ली है, लूट लिया इसने मुझे आज। तो जी फाइनली हम लोग घर आ गए। Yes, too tired. बहुत काम तो हुआ नहीं, shopping हो गई है मैडम की, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है और खाना पैक करवा लिया था हम लोग। तो जो लोग बोलते हैं कि आप इंडिया से आने के बाद खाना मिस करते हो, जैसे कि मोमोज चाप, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मिलती है, ऐसा नहीं है, वो वाला फील नहीं आता वो दिल्ली देहरादून वाला, बट मिलती है। लेट मी शो यू। तो वी हैव अफगानी मोमोज तवा चाप, मलाई चाप और चटपटी चाप। Let's eat it. अब बस खाते हैं और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ड्राइविंग कर ली आज। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन हेल्प लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।